अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। जी तो अभी जो टाइम हो रहा है, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। खाने में बना रही हूँ मैं आलू पुलाव। तो इसके लिए जो मैंने हैं 2 चम्मच भर के, खाना बनाने वाले 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। और अब मैं प्याज को करूँगी गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, इस तरीके से जो मसालों को उसके अंदर फ्राई करने से उनकी जो खुशबू है ना, मसालों की बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और अब प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं तो मैंने इसमें डाल दी है सब्ज मिर्चें, इनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अदरक और लहसुन, जो मैंने दरदराज इनको कूट लिया था इनको। और प्याज को जो है मैंने इतना डार्क इसलिए किया है, कलर डार्क इसलिए है कि चावलों का जो कलर है ना बाद में बड़ा ही प्यारा सा कलर आएगा, बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट से नहीं दिखेंगे वो। इसलिए मैंने इनको बिल्कुल डार्क जो है ब्राउन किया है। और अब मैं इनके अंदर शामिल कर दूँगी आलू। इनको अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये सब, तो अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है आलू वाला पुलाव बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा आलू जो है इसमें मैंने ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स करके फिर आलू को थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लूँगी। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं आलू, तो मैंने इसमें हसब जायका हम इसमें नमक मैंने जो है ऐड कर दिया है। और फिर इन सब को अच्छे से मिला लूँगी नमक को भी मैं। अब हम जो है इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी हमेशा चावल, मैंने यहाँ पे 1 kg चावल लिए हैं तो मैंने इसके अंदर 2 kg जो है पानी डाला है। और अब मैं इसको ढक दूँगी, तब तक इनमें अच्छे से उबाल आएगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले धो के चावलों को भिगो दिया था। और जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आने लगा तो फिर मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी चावल। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं चावल। और एक बार इसको अच्छे से चला दें ताकि ये सब मिक्स हो जाए। अब मैंने ढक दूंगी, तब जब मैंने उनको ढक दिया है तब तक उनका जो पानी है बिल्कुल आधा रह जाएगा, तब मैं उसके अंदर जो है टमाटर ऐड करूँगी। तब तक यहाँ पे जो बर्तन रखे थे मैंने ये बर्तन धोने लगी हूँ मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब पानी जो है उसका बिल्कुल आधे से भी कम रह गया है, तो मैं इसके अंदर टमाटर मिक्स शामिल कर दूंगी। टमाटर को अगर मैं उस वक्त शामिल करती तब मैंने आलू वगैरह डाले थे तब, तो उस वक्त तो ये अब तक तो टमाटर फिर है तो इसके अंदर गल जाते, तो इसलिए मैंने टमाटर को जो है अब शामिल किया है। अब इससे क्या है कि टमाटर गलेंगे नहीं और बिल्कुल अच्छे से जो है पक जाएंगे इसके साथ। ये देखिए अब इनमें बहुत कम पानी रह गया है। अब मैं इनको ढक दूंगी और अब हम इस पे लगा देंगे कपड़ा ताकि जो चावल हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच पर जो है दम इन्हें जो है लग जाए, भाप ही भाप में इनको अब हमें हल्की हल्की भाप में इनको पकाना है। ये देखिए इस तरीके से हम कपड़ा लगा के मैंने ढक्कन लगा दिया है और तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए मैंने इनको ये भाप लगाई है कपड़ा लगा के। तो अब मैं जो है हटा दूंगी और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल इनका सूख चुका है और चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले से देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो यहाँ पे जो है आलू का पुलाव बन के रेडी है, इसको हम सर्व कर लेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।